हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फंडा। दोस्तों, इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मशीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सभी PSU एग्ज़ाम हुए, IAS का एग्ज़ाम हुआ, या गेट का एग्ज़ाम हुआ, या सेंट्रल या स्टेट के JEE के एग्ज़ाम हुए। तो वीडियो के स्टार्ट से पहले दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो थ्योरी ऑफ मशीन्स का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स प्रोवाइड स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ मशीन एंड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्ट्स। तो ऑप्शन ए इज थ्योरी ऑफ मशीन, ऑप्शन बी अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑप्शन सी मैकेनिज्म, ऑप्शन डी काइनेटिक्स। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इनर्शिया फोर्स एक्ट्स मीन्स इन विच डायरेक्शन इनर्शिया फोर्स एक्ट्स। सो ऑप्शन ए इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेटिंग फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेटिंग फोर्स, और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग फोर्स, या ऑप्शन डी इन एनी डायरेक्शन। तो आप जानते हैं कि इनर्शिया फोर्स जो होते हैं वो मेनली रेजिस्टेंस फोर्स होते हैं, यानी कि ये मोशन और जो सिचुएशन है उसको, उसमें होने वाले चेंजेस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मेनली जो इनर्शिया फोर्सेस होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो फॉर अ मशीन टू बी सेल्फ लॉकिंग इट्स एफिशिएंसी शुड बी। तो अगर सेल्फ लॉकिंग की बात आती है तो उसकी एफिशिएंसी मशीन की कितनी होगी, तो 100% होगी, लेस देन 67% होगी, लेस देन 50% होगी, और मोर देन 50% होगी। तो यहाँ पर जो सेल्फ लॉकिंग मशीन्स होती हैं और इरिवर्सिबल मशीन्स, इनकी जो एफिशिएंसी होती है लेस देन 50% होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसको अगर समझें हम, तो यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल मशीन्स की बारे में आपको जानना होगा। तो रिवर्सिबल मशीन्स वो होती हैं जिनमें मशीन इज़ कैपेबल टू डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज़ रिमूव्ड। जब एफर्ट को रिमूव किया जाता है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में भी अगर वर्क करती है तो ये मशीन होती है इज़ नोन एज रिवर्सिबल मशीन। द कंडीशन फॉर अ मशीन टू बी रिवर्सिबल इज दैट इट्स एफिशिएंसी शुड बी मोर देन 50%। ओके, नॉन रिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग मशीन्स, इफ़ अ मशीन इज नॉट कैपेबल टू डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड, देन द मशीन इज नोन एज नॉन रिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग मशीन्स। ओके, सो इट्स क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल एंड सेल्फ लॉकिंग मशीन। द कंडीशन फॉर अ मशीन टू बी नॉन रिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग इज दैट एफिशिएंसी शुड बी लेस देन 50%। ओके, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि अगर रिवर्सिबल के बारे में पूछे तो मोर देन 50% एफिशिएंसी, नॉन रिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग के बारे में पूछे तो शुड बी लेस देन 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन आइडल मशीन द आउटपुट एज कम्पेयर टू इनपुट इज। तो जो आउटपुट होता है आइडल मशीन का और इनपुट जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक, लेस मोर इक्वल। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बिकॉज आइडल मशीन इज 100% एफिशिएंट, सो द आउटपुट एंड द इनपुट आर ऑलवेज इक्वल। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डील पिसेलियर मैकेनिज्म। पिसेलियर मैकेनिज्म हैज़ 8 links, 6 links, 4 links और 12 links। तो जो पिसेलियर मैकेनिज्म होती है इसमें टोटल 8 link होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेंट। अब पिसेलियर मैकेनिज्म होती क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहली बात, पिसेलियर मैकेनिज्म जनरेट एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन्स। सो पिसेलियर मैकेनिज्म यूज्ड व्हेन वी वांट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ऑल्सो हैव मीटिंग सम रेस्ट्रिक्शन अमंग देयर लिंक्स डायमेंशन एंड द इनपुट एंगल्स। द मशीन हैज 8 links, बट ड्यू टू दोज इनिशियल रेस्ट्रिक्शन ओनली रिक्वायर टू फाइंड रिलेशन अमंग 3 ऑफ इट्स लिंक्स, 8 links एंड रोटेशन एंगल्स। अब पिसेलियर मैकेनिज्म कुछ इस तरीके की होती है, आपको दिख रही होगी दोस्तों। यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2 लिंक जो हैं ये रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि ये पूरी तरीके से रोलिंग मोशन नहीं कर पा रही है, पूरी तरीके से ये स्ट्रेट लाइन मोशन देती है मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म वहाँ यूज़ में ली जाती है जहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन मोशन की ज़रूरत होती है। अब अगर इसको हम दूसरी तरीके से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
जब हम एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं थ्रू गियर्स, तब भी हम इस मैकेनिज्म को किस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। ठीक, इंडस्ट्री के हिसाब से अगर छोटा सा मॉडल देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरीके से इसे सेटअप किया जाता है, किस तरीके से यूज लाया जाता है प्यूसेलियर मैकेनिज्म को। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट ऑफ द इंजन्स जनरली। सो मोस्ट ऑफ द इंजन्स आर जनरली रिक्वायर बैलेंसिंग ऑफ सेकेंडरी फोर्सेज, रिक्वायर बैलेंसिंग ऑफ सेकेंडरी कपल्स, रिक्वायर बैलेंसिंग ऑफ बोथ सेकेंडरी फोर्सेज एंड कपल्स, डो नॉट रिक्वायर बैलेंसिंग ऑफ सेकेंडरी फोर्सेज एंड कपल्स। सो विच आर ऑप्शन डी, do not require balancing of secondary forces and couples, option D is correct. Next question is a three rotor system has following number of natural frequency. So three rotor system में कितनी natural frequencies होती हैं, 1, 2, 3, 4, so option B 2 is correct. Next question लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो next question है यहाँ पर क्रिटिकल डैम्पिंग इज़ ए फंक्शन ऑफ, तो क्रिटिकल डैम्पिंग जो होती है वो मेनली फंक्शन किस चीज़ की होती है, क्रिटिकल डैम्पिंग जो होती है वो मेनली मास एंड स्टीफनेस इसकी फंक्शन होती है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब यहाँ पर क्रिटिकल डैम्पिंग इज़ डिफाइंड एज द थ्रेशोल्ड बिटवीन ओवर डैम्पिंग एंड अंडर डैम्पिंग। ओके, इन केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग द ऑस्किलेटर रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम पोजिशन एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट ऑस्किलेटिंग एंड पास इट वंस एट मोस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द गियर बॉक्स इन ऑटोमोबाइल इज प्लेस्ड बिटवीन, सो इट विल ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन द इंजन एंड द क्लच, ऑप्शन सी इज राइट, बिटवीन द इंजन एंड द क्लच द गियर बॉक्स इज प्लेस्ड इन ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ डिके ऑफ ऑस्किलेशन इज नोन एज, द रेट ऑफ डिके ऑफ ऑस्किलेशन इज नोन एज क्रिटिकल डैम्पिंग, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ट्रांसमिसिबिलिटी एंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। सो ऑप्शन डी इज राइट, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ओके, द रेट ऑफ डिके इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ डिके ऑफ ऑस्किलेशन इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन। यहाँ पर आता है द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन अ फ्लैट पाइवोट बियरिंग कंसिडर्ड यूनिफॉर्म प्रेशर। तो यहाँ पर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जबकि डब्ल्यू लोड ओवर द बियरिंग और आर रेडियस ऑफ द बियरिंग सरफेस। तो ऑप्शन ए इज 1/2 म्यू डब्ल्यू आर, ऑप्शन बी 2/3 म्यू डब्ल्यू आर और ऑप्शन सी 3/4 म्यू डब्ल्यू आर या ऑप्शन डी म्यू डब्ल्यू आर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी 2/3 म्यू डब्ल्यू आर, क्योंकि फ्लैट पाइवोट बियरिंग में जो फ्रिक्शनल टॉर्क होता है वो इस तरह उसका फॉर्मूला 2/3 म्यू डब्ल्यू आर होता है। ठीक, अब इसको पूरा आपको ये चार्ट याद होना चाहिए पेपर की दृष्टि से कि जो फ्लैट पाइवोट बियरिंग होता है इसमें जो यूनिफॉर्म प्रेशर होता है वो 2/3 होता है और यूनिफॉर्म वियर होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ पर आपके लिए फ्लैट पाइवोट बियरिंग इम्पोर्टेंट है, कोनिकल पाइवोट बियरिंग इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ सिंगल डिस्क और कोन क्लच ये दोनों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके क्वेश्चन अक्सर आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो कोनिकल के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 2/3 म्यू डब्ल्यू आर इंटू कॉस अल्फा आ जाता है। ओके, और अगर सिंगल डिस्क के लिए बात करें तो यहाँ पर R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब अपॉन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये टर्म R जो रेडियस है उसकी जगह ये टर्म यहाँ पर आ जाती है। तो ये एक लंबा जो होता है ये काफ़ी लंबा डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर ये पूरा डेरिवेशन से ही आप समझ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपराइटर मैकेनिज्म हैज 7 नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, 6 लिंक्स एंड नन ऑफ हायर पेयर्स, द मैकेनिज्म इज काइनेमेटिकली साउंड नॉट साउंड, साउंडनेस वुड बी डिपेंड ऑन द विच लिंक इज कैप्ट फिक्स, डाटा इज नॉट सफिशेंट टू डिटरमाइन सेम। सो इट्स ऑप्शन ए इज काइनेमेटिकली साउंड, क्योंकि टाइपराइटर आपने देखा होगा साउंड करता है, तो इट्स अ काइनेमेटिकली साउंड।
सात इसमें बाइनरी जॉइंट्स होते हैं, छः लिंक होते हैं। अब अगर टाइपराइटर की मैकेनिज्म आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इसमें की जो होती है वो लॉक्ड आउट होती है, लॉक्ड इन होती है। ओके, आप देख पा रहे होंगे इसमें कैम और फॉलोवर भी यूज़ में लिया जा रहा है। जब हम की प्रेस करते हैं तो ये लॉक्ड डाउन हो जाती है, और उसके बाद जो जैसे ही फॉलोवर कैम और फॉलोवर के बाद ये की जो है ये डिसएंगेज्ड हो जाती है, यानी कि लॉक्ड आउट हो जाती है। ठीक, तो ये टाइपराइटर की मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इफ़ द ऑपोजिट लिंक ऑफ फोर बार लिंकेज आर इक्वल द लिंक विल ऑलवेज फॉर्म अ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और पेंटागन। तो इट्स ऑलवेज फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप ये ओके, ये यहाँ पर पैरेललोग्राम का आपको दिखाया हुआ है। जब लिंक ऑफ सेम लेंथ होते हैं, जब लिंक्स ऑफ सेम लेंथ, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लिंकेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अंदर यह है कि जो इन दिस लिंकेज लिंक्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर प्लेस्ड अपोजिट ईच अदर, यानी एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर होते हैं दोनों के दोनों इक्वल लिंक्स। जबकि जो डेल्टॉइड लिंकेज भी आपसे पूछा जा सकता है, तो डेल्टॉइड लिंकेज में लिंक्स ऑफ इक्वल लेंथ आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। ये ओके, यानी एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, तो डेल्टॉइड में याद रखें यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं सेम लेंथ के लिंकेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर द टाइप ऑफ पेयर फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स विच आर सो कनेक्टेड दैट वन इज कंस्ट्रेंड टू टर्न और रिवॉल्व अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ अनदर एलिमेंट इज नोन एज टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर और स्फेरिकल पेयर। तो ये कौन सा कहलाएगा? टर्निंग पेयर, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देर आर एल नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म देन द नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन्स इज इक्वल टू। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स कितने होंगे दोस्तों? एल ही होंगे। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सी जी ऑफ अ लिंक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ लिंक इन एनी मैकेनिज्म वुड एक्सपीरियंस नो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, बोथ एंगुलर एंड लीनियर। तो ऑप्शन डी इज राइट, बोथ एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, अ पॉइंट ऑफ अ लिंक कनेक्टेड डबल स्लाइडर क्रैंक चेन ट्रेसेस स्ट्रेट लाइन, सर्किल और पैराबोला और एलिप्स। जो पॉइंट होता है लिंक में डबल स्लाइडर क्रैंक के अंदर, वो एक्चुअली में क्या फॉर्म करता है? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, एलिप्स। एलिप्स वाली आपने देखी होगी, ये कुछ इस तरीके की, जब जो डबल स्लाइडर क्रैंक होता है तो यहाँ पर स्लाइडर जो है वो जब जुड़ा होता है तो वो कुछ इस तरीके से एलिप्स की फॉर्म में आगे बढ़ता है, और ये एलिप्स की ट्रेसेस करता है एलिप्स पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अ मैकेनिज्म इज़ एन असेंबलेज ऑफ, जो मैकेनिज्म होती है वो मेनली असेंबल किसकी होती है? टू लिंक्स की, थ्री लिंक्स की और फोर लिंक्स और मोर देन फोर लिंक्स या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आएगा आंसर ऑप्शन सी, फोर लिंक्स और मोर देन फोर लिंक्स, यानी कम से कम चार लिंक तो होने चाहिए किसी भी मैकेनिज्म में। ठीक, फॉर टू गेटिंग ए मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टू सिस्टम शैल बी डायनेमिकली इक्विवेलेंट व्हेन द मास ऑफ टू आर सेम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टू कोइंसाइड्स। ओके, अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टू अबाउट एन एक्सिस थ्रू ई जी अनदर इज इक्वल। ओके, तो ऑल ऑफ द अबाउट ऑप्शन डी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यानी ऑल ऑफ द अबाउ इज करेक्ट। ऑल ऑफ द अबाउ वी नीड टू गेट द टू सिस्टम शैल बी डायनेमिकली इक्विवेलेंट।
तो ये कुछ थ्योरी ऑफ मशीन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करे दोस्तों। ऐसे ही और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा जितने भी सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड। ओके, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।